दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन. स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन टुडे विथ लेसन नंबर 2, द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन. डू यू नो हु इज कॉल्ड एज मिसाइल मैन? डू यू नो हु वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री? एंड डू यू नो वॉट ही हैड बीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज द प्रेसिडेंट? वॉट ही वॉज डूइंग बिफोर दैट? एंड मोर इम्पॉर्टेंट, Why was he called as missile man? क्या आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं कि कौन थे जिन्हें हम missile man कहते थे? बिल्कुल ठीक समझा बच्चों आपने. जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ही इज़ नन अदर दैन डॉक्टर अब्दुल कलाम, आर ओन प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड डॉक्टर अब्दुल कलाम. आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं उनके जीवन के बारे में, कुछ अंश उनके जीवन के इस लेसन में लेखक ने आपको शेयर किए हैं उसके बारे में जानते हैं. क्या आपने मिसाइल मैन का नाम सुना है, जिनकी वजह से भारत देश का नाम दुनिया के वैज्ञानिक देशों के नाम के साथ नक्शे में जुड़ा है? जी हाँ, वह और कोई नहीं, भारत के 11वें राष्ट्रपति अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम हैं. वह एक बहुत ही साधारण से, सामान्य से परिवार से हैं, मगर अपनी मेहनत एवं इच्छा शक्ति के कारण देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच पाए. उनके पिता एक गरीब व्यक्ति थे. अब्दुल कलाम ने अपने पिता से सभी धर्मों का आदर करना सीखा. उन्होंने ना ही पवित्र कुरान बल्कि गीता भी पढ़ी. उनका परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए तीर्थयात्रियों को नाव द्वारा धनसुखोड़ी से रामेश्वरम तक, तमिल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, नाव के चक्कर लगाया करता था. किंतु एक भयानक तबाही मचाने वाले साइक्लोन के कारण, जो साइक्लोन्स आते हैं वो पता है, तूफान जो आते हैं, उसके कारण उनकी नाव टूट गई, जिसके कारण उनके परिवार का जीवन यापन का जरिया खत्म हो गया. अब्दुल कलाम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कई परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की. अपने परिवार को मुसीबत में मदद करने के लिए कलाम को इमली के बीज इकट्ठा करके बेचने पड़े, जिसके लिए उन्हें मात्र 6 पैसे एक आना मिला करता था. वह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पे एक तमिल अखबार दीनामणि नाम का जो है वहाँ इकट्ठा करते थे, और उनके जो भाई थे, कज़िन थे, सामुद्दीन, उनके साथ वहाँ उसको बेचने में उनकी मदद करते थे. इस कार्य के लिए कलाम को कुछ बहुत ही थोड़े से पैसे मिलते थे. वो पैसे बहुत थोड़े थे, किंतु वह बहुत खुश थे क्योंकि वह अपने फैमिली की मदद कर पाते थे. इस बात से वह हमेशा बहुत खुश रहते थे, उन्हें बहुत खुशी मिलती थी. वह अपने स्कूल में हमेशा बहुत ही ज़्यादा ईगर हुआ करते थे. ईगर का मतलब समझते हैं आप? उत्सुक. वह बहुत उत्सुक थे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और तमिल जैसे सब्जेक्ट्स में. ये सब उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, प्रिय सब्जेक्ट्स थे. उन्होंने कई पोएम्स भी लिखी तमिल में और इंग्लिश में भी. वह अपना अधिकतर समय जो है वहाँ बीच पर बिताया करते थे. जब भी वहाँ किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखते थे आसमान में, तब उसे देखकर उनकी इच्छा होती थी कि वहाँ खुद भी इसी तरह से आसमान में उड़ जाए. जो उनका जुनून था आसमान में उड़ने का, वह इतना ज़्यादा था कि उस जुनून के कारण उन्होंने SLV-3 डिज़ाइन किया. SLV का अर्थ होता है बेटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने देश में बनाना और उसको बहुत सफलतापूर्वक बनाना, इसका श्रेय अब्दुल कलाम जी को जाता है. यह भी कार्य उन्होंने किया. वह अपने पढ़ाई के दिनों में रात को 10:30 बजे तक जागते थे. उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी,
हम बिजली के अभाव में केरोसिन लैम्प की मध्यम सी डिम सी रोशनी में ही वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। उन्हें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था कि वो बहुत ही कम लाइट में भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। स्कूल में उनका एक अंतरंग मित्र जो क्लोज़ फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री थे और उनके पिता रामेश्वर मंदिर के पुजारी थे। रामानंद और अब्दुल कलाम कक्षा में साथ साथ बैठा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इस क्लास में एक नए टीचर आए। अब उन्हें एक मुस्लिम लड़के का एक ब्राह्मण लड़के के पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि तुम जाकर पीछे अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ जाओ। इस बात से उनके मित्र जो थे रामानंद वह इतने विचलित हुए कि उन्हें रोना सा आ गया और दोनों मित्रों को इससे बहुत यातना हुई। उन दोनों को बहुत बुरा लगा कि हमारी मित्रता इतनी घनिष्ठ थी, इतनी पक्की थी, और ये टीचर जो थे इन्होंने हमें अलग ले जा के पीछे भेज दिया और बिठा दिया। अब रामानंद के पिता को यहाँ पता चला, उन्होंने टीचर को बुलाया और उन्होंने टीचर से कहा कि वहाँ इस तरह से तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ सही नहीं है इस तरह से धर्मवाद, जातिवाद, किसी भी तरह प्रकार का ये हम बच्चों को यदि सिखाते हैं ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रामानंद के पिता थे वहाँ एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वह इन सब बातों का अर्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने उन टीचर को समझाया। अब एक वाक्या और है। अब्दुल कलाम के एक और टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। वह थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे। ब्रॉड माइंडेड का अर्थ होता है थोड़ा विकसित सी सोच थी उनकी, वो थोड़ा बड़ी तरह से सोचा करते थे। उनके विकसित सोच से उन्हें ये सारी जात पात धर्म ये सारी चीज़ें वह नहीं मानते थे। अब्दुल कलाम उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया, लंच पर बुलाया, दोपहर के खाने पर। उनकी जो वाइफ थी टीचर की वह पुराने ख्यालों की थी, वह एक ऑर्थोडॉक्स वुमन थी, पुराने ख्यालों की विचारों की महिला थी। उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना सर्व करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं परोसूंगी। अब जो वो टीचर थे उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम तो थे ही उनके फेवरेट स्टूडेंट, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अब्दुल कलाम को खुद ही खाना परोस दिया। ये देखकर ये उनकी वाइफ जो थी वो उस चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक देख रही थी। अब अगले सप्ताह उनकी वाइफ ने अब्दुल कलाम को फिर से खाने पर बुलाया, उन्होंने खुद उनकी वाइफ ने खाने पर बुलाया अब्दुल कलाम को, और उन्होंने खुशी खुशी से अपने हाथ से अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया, खाना खिलाया। इस वाक्य से अब्दुल कलाम ने ये सीखा कि परसिवरेंस मेक्स मिराकल्स, मतलब जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, हमारे विचार में दृढ़ता होती है, तो उसके कारण चमत्कार हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि उनके जो टीचर थे उनकी जो दृढ़ता थी कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है और मुझे इसको खाना खिलाना है, उसमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, तो इस चीज़ से उन्होंने ये पाठ सीखा। उन्होंने सीखा कि हमेशा जो अपनी इच्छा शक्ति है उसमें दृढ़ता रखनी चाहिए, अपने विचार जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए और उसी तरह से हमें उनको उन पर अमल करना चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने इसके बाद बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया रामानंदपुरम में, और यहाँ उन्होंने सीखा, क्या सीखा कि इच्छा, विश्वास एवं आकांक्षाएँ, डिज़ायर्स, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर की टू सक्सेस। ये क्या है, ये सारी चीज़ें सफलता की कुंजी होते हैं। यदि हम अपनी इच्छाएँ, अपना विश्वास एवं अपनी आकांक्षाएँ प्रबल रखें तो सफलता निश्चित है, आप हमेशा सफल होकर ही रहेंगे। उन्हें हमेशा अपने स्कूल का जो मोटो है, जो ध्येय वाक्य है, वह भी हमेशा याद रहता था। उनके स्कूल का नाम था स्क्वाड्स हाई स्कूल और उसका ध्येय वाक्य था लेट नॉट दाई विंग डेज बी स्पेंड
इन वेन, व्हेन वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक। अर्थात जो समय हमारा उड़ान भरने का है वह समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एक बार यदि वह चला गया तो हम सोना देकर भी उसे नहीं खरीद सकते। ये तो शब्दों का अर्थ हुआ, मगर सरलता से देखें तो उसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार से गया हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। अब्दुल कलाम को हमेशा अपना ये स्कूल का जो ध्येय वाक्य था ये बहुत अच्छे से याद रहा और उन्होंने उस पर अमल भी किया। ना ही सिर्फ याद रखा किंतु उन शब्दों पर अमल भी किया। इसी के कारण वह एक प्रख्यात व्यक्ति बने जिसका नाम अपने देश में ही नहीं समूचे विश्व में उन्होंने एक प्रख्यात व्यक्ति की तरह अपना नाम स्थापित किया। वह आकाश में छिपे रहस्यों की ओर हमेशा आकर्षित रहते थे। उनका कहना था कि उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया तब उन्हें यही मन में ख्याल रहता था कि वह आकाश में जो कई सारी रहस्य छिपे हुए हैं उन रहस्यों को वहाँ जानना चाहते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उस वक्त भी थोड़ी मुश्किलें आई, उनके पिता के पास उनकी फ़ीस भरने के लिए उस वक्त पैसे नहीं थे, किंतु उस वक्त उनकी बहन उनके मदद के लिए आई। उनकी बहन ने अपने आभूषण मॉर्गेज मतलब कि गिरवी रखे और उनके फीस भरने का पैसों का प्रबंध किया। अपने बहन के इस दयालु स्वभाव के कारण वहाँ इंजीनियरिंग में दाखिल हो पाए। अब्दुल कलाम ने अपने बहन का ये जो मदद थी उनके बहन की इसको वहाँ भूले नहीं और उन्होंने उसी वक्त शपथ ली। उन्होंने यहाँ डिसाइड किया, एक फर्म डिसीजन लिया कि मैं इन आभूषणों को जल्द ही अपनी बहन को लौटाऊंगा जो गिरवी रखे हैं, अपनी मेहनत से पैसे कमा कर और उन्हें लौटा दूंगा। यह प्रण उन्होंने अपना पूरा भी किया। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने जैसे ही कमाई करना शुरू किया, द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग, उन्होंने अपना प्रण पूरा किया। अपने करियर की हर कदम पर सफलता परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चलती गई। पहले पद्मभूषण, फिर पद्म विभूषण, इस तरह से सर्वोच्च सम्मान जो भारत के थे उनसे वह नवाजे गए। उन्हें भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया। यहाँ लेते वक्त उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उनको वो बात याद आई जो उनके बचपन में हुई थी। उन्होंने बताया कि जब वह यह सम्मान ले रहे थे तब उन्हें उस दिन की याद आई जब उनका मित्र रामानंद जो था वो और कलाम अलग अलग हो गए थे और कलाम को क्लास में अंतिम पंक्ति में जाकर बैठना पड़ा था और उनका मित्र लगभग रोसा दिया था। इतने बड़े व्यक्ति ने, इतने प्रख्यात व्यक्ति ने इतने बड़े मंच से इतना बड़ा सम्मान लेते वक्त अपने जीवन की इतनी अच्छी बात सबके साथ शेयर करके सबको एक प्रेरणास्पद चीज़ सिखाई कि धर्म जात पात इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें सिर्फ एक ही चाह होनी चाहिए कि हम कुछ जीवन में सीखें, कुछ बने और हम अपने देश के लिए कुछ करें। 25 जुलाई 2002 को जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। शिक्षकों ने अपने बच्चों को मिठाई बांटी। प्रार्थना में शिक्षकों ने उनकी प्रशंसा करते हुए अपने विद्यार्थियों से सदैव उनके जीवन का अनुकरण करने के लिए कहा। बच्चों, इस प्रकार इस लेसन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। अपने देश के लिए, अपनी कर्मभूमि के लिए हम हमेशा तत्पर रहे और जब हम अपने विचारों में, अपनी इच्छा शक्ति में दृढ़ता लाएंगे तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। हम चाहे जो वहाँ अचीव कर सकते हैं जीवन में।